नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार रेडियो जेट। सपा नेता का हंगामा। जनपद संभल में गांधी जयंती पर बाबू की प्रतिमा पर आंसू बहाने वाले सपा नेता फिरोज खान का कानून की धज्जियां उड़ाए जाने का वीडियो सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने आज कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चंदौसी के कोतवाल के कक्ष में अपने समर्थकों के साथ पालका के ईओ के साथ जमकर अभद्रता की और हंगामा काटा। कक्ष में मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह पालका के ईओ को समाजवादी पार्टी के नेता और उनके समर्थकों से बचाया। दरअसल सपा नेता फिरोज खान और उनके समर्थक कल रात नाली में डूबने से हुई मासूम की मौत के मामले में पालका के ईओ राजकुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कोतवाल ने सपा नेता और पालका के ईओ को आपसी वार्ता के लिए कोतवाली अपने कक्ष में बुलाया था। वार्ता के लिए ईओ जैसे ही कोतवाल के कक्ष में पहुंचे, सपा नेता और उनके समर्थकों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ईओ को पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए अभद्रता करते हुए हंगामा करने लगे। इस बीच सपा नेता ने विवादित बयान भी दिया, बीजेपी को डांसरों और दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोगों की पार्टी बताया। मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली का है। दरअसल चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में कल रात एक 11 महीने के एक मासूम की नाली में गिरकर डूबने से मौत हो गई थी। मृतक मासूम के परिजन और इलाके के लोग मासूम की मौत के लिए नगर पालिका के ईओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ईओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस मामले में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आंसू बहाने को लेकर चर्चा में आए सपा नेता फिरोज खान भी आज कूद पड़े। सपा नेता फिरोज खान आज सुबह अपने समर्थकों के साथ मृतक मासूम के परिजनों से संवेदना जताने पहुंच गए। परिजनों से संवेदना जताने के बाद सपा नेता फिरोज खान क्षेत्र में गंदगी और जलभराव के लिए पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए तहसील के एसडीएम पालिका के ईओ को मौके पर बुलाने के लिए अड़ गए। एसडीएम महेश प्रसाद तो मौके पर पहुंच गए और इलाके के लोगों को कार्रवाई का भरोसा देकर वापस चले गए, लेकिन ईओ के ना पहुंचने पर सपा नेता का पारा चढ़ गया। गुस्से में आग बबूला सपा नेता फिरोज खान अपने समर्थकों के साथ चंदौसी कोतवाली पहुंच गए और मासूम की मौत के मामले में नगर पालिका के ईओ के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस बीच कोतवाल धर्मपाल सिंह के अनुरोध पर ईओ राजकुमार सपा नेता से वार्ता के लिए कोतवाली पहुंच गए। ईओ राजकुमार जैसे ही कोतवाल के कक्ष में घुसे, सपा नेता और उनके समर्थक भड़क गए और ईओ को पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए कोतवाल के कक्ष में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। सपा नेता और उनके समर्थकों के हंगामे से कोतवाल के कक्ष में अफरा तफरी फैल गई। कोतवाली में मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह ईओ को सपा नेता और उनके समर्थकों के चंगुल से बचाया। समाचार ए टू जेड के लिए संभल से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। ऐसी हैं जिसमें बेइंतहा गंदगी और जल भराव, और ये कोई बच्चे की मैं बात बता दूं आपको, कोई नई बात नहीं है। कितनी घटनाएं ऐसी हो गई हैं जानवरों से लेके, और अब तो जानवरों की बात नहीं, अब तो देखिए अब इंसानी जहाँ रूप धारण कर ले, मौत बच्चे की मौत हो गई, तो इससे बड़ी दुख की क्या बात है। और नगर पालिका उसके बाद में भी नहीं चाहते। नहीं, सरकार एक और तो स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ये स्वच्छता अभियान है उस पर सवाई निशान खड़े हो रहे हैं। काफ़ी जलभराव है, ये बड़ी आबादी जो है काफ़ी गंदगी के बीच में रह रही है यहाँ पर, इसको लेकर के क्या? सरकार तो अभियान चला रही, 2 अक्टूबर को चलाया तो था, जश्न मन रहा था, डांस हो रहे थे कंपनी बाग में चंदौसी में। हाँ, अधिकारी भी आनंद ले रहे थे डांसों का, क्योंकि तो डांसरों की पार्टी सी हो गई है इस वक्त। तो अलीगढ़ में मौजूदा सांसद डांस करते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर, मैं रोता हूँ तो उस पर उंगलियाँ उठती हैं। आज बच्चा गुजर गया किसी का तो उसके घर वाले भी रो रहे हैं, तो उसके साथ में अगर मैं रोऊँ तो ये मेरे कोई आला है दिल में, मैं दिल से रोया या दिल से हंसा तो लोग मजाक उड़ाते हैं। ये तो मजाक उड़ाने वालों की पार्टी है, ज़मीनी सतह पर तो कुछ है नहीं इनका। और वह आप देख ही रहे हैं चंदौसी के हालात, किस कदर गंदगी में लोग जी रहे हैं, बीमारी फैल रही है, तो किसी को एहसास थोड़ी है ना, अभी ईओ का पता है ना एसडीएम आए हैं, जबकि मैंने उच्च अधिकारियों को रात ही बता दिया था।
माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी बताया था, और ये मैं 2 अक्टूबर को यहाँ देख कर गया था, और मैंने SDM महोदय को कहा था कि इसको देख लेना, कोई हादसा ना हो जाए। अब कितना बड़ा हादसा, इससे जान से जाने से ज़्यादा और क्या हादसा हो सकता है। इस समस्या को लेकर आपकी पार्टी कोई प्रयास करेगी, कोई इस तरीके का मतलब कोई धरना आंदोलन या इनसे को संपर्क करेगी अधिकारियों से? देखिए, इसमें एक तो FIR करानी है, जो इसमें संबंधित अधिकारी दोषी हैं, चाहे वो नगर पालिका के यो हो या JE हो, जो भी इसमें दोषी होगा। ये तहरीर रात दिलवाई थी हमने, और अभी फिर मैंने इंस्पेक्टर को बताया है कि इसमें तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये जेल जाएंगे। देखिए, सस्पेंड या पनिशमेंट लोकल लेवल पे हो तो उससे कोई काम नहीं चलता। नहीं, बताया जा रहा है कितना बड़ा हादसा हो रहा है, पालिका को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचे हैं, तो इसको लेकर के कोई आपका? नहीं, अधिकारी नहीं पहुंचा तो अधिकारी को आना पड़ेगा, हमारे पास तरीका और भी है अधिकारियों को बुलाने का, जनता अपने आप सबक सिखा देगी। लेकिन इसमें कार्रवाई होगा, इनको जेल जाना तय है, मैं इसमें कार्रवाई मांगे बिल्कुल मांगे कार्रवाई कराएंगे, और मुआवजा जो उचित हो परिवार को।